ये ना 360 डिग्री। यस वाओ, क्या मजा आया। 360 डिग्री पूरा, वाओ वहाँ पे कितना अच्छा नजारा है। देखिए मन भाल लगी से साफ खुरी है, सुनाओ कितना मजा आया। अभी हम लोग थोड़ी देर बाद पहुंचेंगे तीस्ता व्यू पॉइंट। इतना रोजन को बोल मन तो रोजन हमको ये बताओ तुम दार्जिलिंग का मौसम और कालिम्पोंग का मौसम का बारे में कुछ बोलो तो हम हमारा सब्सक्राइबर। कंपेयर टू दार्जिलिंग कालिम्पोंग थोड़ा गर्मी रहेगा क्योंकि आपका कालिम्पोंग अल्टीट्यूड वाइज थोड़ा कम है। कालिम्पोंग कितना है? दार्जिलिंग 7000 फीट पे है, वेयर कालिम्पोंग आपका 4000 फीट के आसपास है, इसीलिए थोड़ा गर्मी रहेगा कम्पेयर टू दार्जिलिंग। गैंगटॉक भी थोड़ा कम ही है, अगर गैंगटॉक से ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे ठंड रहेगा। अच्छा, लेकिन गैंगटॉक भी आपका थोड़ा गर्मी रहेगा कम्पेयर टू दार्जिलिंग जी। तो दार्जिलिंग ज्यादा अच्छा है मौसम जी, वेदर वाइज जी ज्यादा अच्छा है। ये क्या है? बिल्ली। ओ मैंने सोचा कुछ अलग सा कुछ होगा, नहीं है। देखने के लिए क्या क्या है उधर में? वहाँ पे हम देखेंगे पाइन व्यू नर्सरी, वहाँ पे आपका बहुत सारा वेराइटीज का कैक्टस, डिफरेंट प्लांट्स का वेराइटी मिलेगा। हम जाएंगे दुर्पिन मोनेस्ट्री, गोल्फ कोर्स दिखेंगे जी, पार्क तो देख ही लिया हमने रामाहट्टा में, और दार्जिलिंग में भी पार्क है, देखेंगे ट्राई करेंगे ज्यादा से ज्यादा दिखाने के लिए ना। तो ठीक है, अभी थोड़ा बागान में आ गया है, चाय का बागान में कितना सुंदर व्यू है, ये भी अभी हम दिखाएंगे थोड़ा बाद में, थोड़ा नीचे जाके थोड़ा दिखाएंगे ना। ये तीस्ता व्यू पॉइंट भी मिलेगा जी जी, थोड़ा नीचे। तो तीस्ता व्यू पॉइंट पॉपुलर हुआ है रोजे ने की कोले खुनिले चाय बागान फोटो तुलिम बोली, बहुत धुनिया है व्यू टू, बहुत धुनिया है, देखो आसो बोलक। এক নম্বর বা দুই নম্বরতে যাব পারে, নহলে বহুত প্রবলেম হয়, গাড়ি গরম হয়ে যাতা হয় না, ব্রেক গরম হয়ে যাতা হয়, ইসলিয়ে থোড়া এই কারণ নেই তো फर्स्ट गियर नहीं तो सेकंड गियर में ही जाना पड़ेगा, नहीं तो ब्रेक भी गर्म हो जाएगा, तो धीरे धीरे चलते हैं। इसलिए भाई पैसे हुई तीस्ता भी ऊपर एक रूप तीस्ता व्यू पॉइंट तो रही सुतिया। अब आ गया तीस्ता व्यू पॉइंट में, देखिए ओ आप देखिए तीस्ता का व्यू पॉइंट ये नीचे देखिए कितना सुंदर है व्यू, देखिए ये और यह सब तीस्ता रिवर एक ऊपर का कितना दुनिया। ड्राइव विथ फर्स्ट गियर ओनली, फर्स्ट गियर जब मैंने लिखा था डर लगता है, डर लगता है राफ्टिंग करने की हुई से, डर लगता है हमको, नहीं होगा राफ्टिंग, चलो हम देखने से ही हो जाएगा, लोगों को देखने से ही हो जाएगा, हमको उधर नहीं जाएगा, डर लगता है ना।
घर के आगे जीत ये नदी में कटता है ना, कहाँ कटता है? जी जी यही ये नजारा देखिए कितना सुंदर। साथ में कोई होगा ना तो कर सकेगा, हाँ कर सकेगा, लेकिन आज तो नहीं है टाइम। ये तिस्ता बाजार है, हाँ यहाँ पे आप जो राफ्टिंग के लिए चाहिए वो भी मिल सकता है यहाँ पे ना, वो सामान हाँ वो कर सकते हैं आप। वाटर स्पोर्ट्स बहुत अच्छा लगता है मेरे को, एडवेंचर। लेकिन आज तो हम लोग कालिम्पोंग जा रहे हैं और टाइम भी कम है, नहीं तो हम लोग भी ये करता है राफ्टिंग, कभी किया नहीं है लेकिन करने का इच्छा है। अगर कहीं अगर मौका मिलेगा तो आप लोग आइए यहाँ पे, ट्राई कीजिए राफ्टिंग करने के लिए। सेफ्टी मेजर्स भी है, अभी तक कोई ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा है सिस्टम, बहुत अच्छा से करता है ये लोग। तो अपना आबे यू कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट आरम्भ से इतने और तिस्ता रिवर राफ्टिंग पे बहुत भल है, सेफ्टी मेजर्स आसे पूरा और आज तिस्ता बजार ये जो आप लगे आप कहे यार का बो ग तिस्ता नदी अभी अलग इफे गुसुपे ये सैडेरे बो गए रास्ता गैंगटक जाता है ना, गैंगटक हाँ ये रास्ता तो गैंगटक गई आसे ये रास्ते और तार काखे तिस्ता नदी आगे, आगे एक रास्ता है ऊपर जाएंगे कालिम्पोंग नीचे जाएंगे सिलीगुड़ी। ओके हाँ रोजने कैसे राइट साइड में गैंगटक ने लेफ्ट साइड गैंगटक वो तो ऊपर है, ऊपर है और एक जंक्शन आएगा और एक वहाँ से एक सिलीगुड़ी एक कालिम्पोंग या गैंगटक। अच्छा अच्छा अभी देखा तिस्ता रिवर इतना सुंदर है, इमान धुनिया तिस्ता रिवर जंक्शन तो ये देखा है सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी इफाले जाए और कालिम्पोंग जाए इफाले, हाँ ये तो रास्ता अभी जाता है सिलीगुड़ी ना, हेलो तिस्ता ब्रिज जा रहा है तो अभी सिक्किम उसी का टनल बन रहा है। बढ़िया इतना सुंदर और इतना हवा दे रहा है यहाँ पे, इतना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा मौसम है, बहुत अच्छा। आप लोग आइए एक बार एंजॉय कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग एक बार आक तिस्ता रिवर एन बहुत मजा लगे आम नामी चाहे और इतना गई कल वेलकम टू कालिम्पोंग। यू कालिम्पोंग मेन गेट तो है आप लोग देखाल ये है कालिम्पोंग जाने का जो रोड है यहाँ पे है, ये देखिए गेट है तो इधर से हम लोग जाएंगे कालिम्पोंग। कालिम्पोंग यार ये जा लगे इतना और ये गैंगटक जो रास्ता ये इस साइड में ये है गैंगटक जाने का रास्ता। तो आप चलिए कालिम्पोंग और बांध दिया है और बांध दिया क्या सामान और बांध दिया अच्छी तरह से। ओके अभी आगे वो आएगा जंक्शन आएगा रुक जाएगा जी। हम कौन आई बस कालिम्पोंग रास्ता न मिताली कैन को लगी से आरो 12 किलोमीटर न माने आमी तिस्ता रिवर नामिलु गरम इतना अलग गरम न दार्जिलिंग कि बहुत ठंडा आसे इतना अलग गरम कि लगे कसुन के लगे क दार्जिलिंग से अभी पहुंचने वाला है कालिम्पोंग। रोजन ने हम लोग को बहुत जगह घुमाया दिखाया, फोटो
भी खींचा, बहुत अच्छा लगा। वो दार्जिलिंग से है, उसका फोन नंबर हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आप लोग यहाँ आने से उसको कॉन्टेक्ट कीजिएगा, बहुत अच्छा है। तो नेक्स्ट टाइम आने से आप लोग भी वो उसको कॉन्टेक्ट कीजिए, फोन नंबर दे देंगे। तो अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं कालिम्पोंग, थोड़ा टाइम बाकी है, और 15 मिनट्स। हाँ, तो थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ ड्राइविंग थोड़ा ड्राइविंग में रिस्ट्रिक्शन है। अभी एक में नहीं, दो तीन में जा रहे हैं। अभी क्या, अभी तीन में जा रहे हैं। थोड़ा बीच बीच में हम लोग एक में भी जाना पड़ता है, दो में भी जाना पड़ता है, फर्स्ट एंड सेकेंड गियर, तो थोड़ा टाइम लगता है। तो चलिए आप देखते रहिए बबिताज ब्लॉग। अब हम पहुँच चुके हैं कालिम्पोंग। हम जाने वाले हैं अभी कहाँ पर, पाइन व्यू नर्सरी। আমি আহি পালোহি পাইন ভিউ নার্সারি। এটা কি কি আছে আমি চাম বলক। আপ চলিয়ে পাইন ভিউ নার্সারি, ইহা কা বহুত বড়া এ নার্সারি হে। ইয়াত আহিলে পার পার্সন 20 rupees, কার পার্কিং 30 rupees। ওকে, এ ভিউ দেখিয়ে ইতনা বড়িয়া নজারা হে, বহুত আচ্ছা লাগা পাইন ভিউ নার্সারি কা। তো হম আমি আন্ডার যায়ঙ্গে, আমি এটা ভিতরলে যাম। ওয়াও, এটো কি, এটো একটা ক্যাকটাস দে, এটা প্রথম দেখিছো রে, কি ধুনিয়া। ওয়াও, দেখিয়ে কি আর নজারা হে, দেখিয়ে কিতনা সুন্দর সুন্দর হে, মান ধুনিয়া হয় সব ক্যাকটাস, ভ্যারাইটিস ক্যাকটাস আছে, একচুয়ালি ক্যাকটাস আছে সব, কি ধুনিয়া। উসর পা দেখো আইছে সব। ওয়াও, হ্যালো ফ্রেন্ডস, ভিডিওটি চাই কেনে পালে, যদি ভাল পাইছে তেনেহলে সাবস্ক্রাইব করবলে নপাহরিব, আর নেক্সট কালিম্পং ব্লগ লো আপনার সঙ্গে আহি আসো। তেতালেকে বাই বাই।